कुमार, शाही कातारिये, श्री राधे श्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय योजना। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट थर्ड विषय VST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन में अब तक हमने परिचालन वित्तीय उत्तोलक में परिचालन वित्तीय उत्तोलक में से हमने उत्तोलक की परिभाषा, उसका अर्थ और जो परिचालन उत्तोलक था ऑपरेटिंग लेवरेज लेवरेजेज उसका अध्ययन किया, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना, उनके महत्व के बारे में जाना और उसकी गणना, उसकी कमियां और परिचालन उत्तोलक की मात्रा और सम विच्छेद बिंदु के संबंध में इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम नया टॉपिक वित्तीय उत्तोलक फाइनेंशियल लिवरेजेज के बारे में अध्ययन करें। ये भी उत्तोलक में महत्वपूर्ण टॉपिक है और वित्तीय उत्तोलक है वो एक संस्था की वित्त पूर्ति हेतु पूंजी की लागत या प्रत्यय के दृष्टिकोण से दो प्रकार की पूंजी का प्रयोग कर सकती है। उसमें ऐसी पूंजी जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश उगाना पड़ता है, ऐसी कैपिटल उसकी जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश चुकाना पड़ता है, जैसे अधिमान अंश, पूर्व अधिकारी अंश होते हैं। अधिमान अंश पूंजी है, उस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश चुकाया जाता है। दूसरा है ऋण पत्र और तीसरा है दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म्स लोन यदि हैं तो इन पे जो निश्चित दर से ब्याज हो या लाभांश उगाना पड़ता हो, तो इस प्रकार के हम पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि अधिमान अंश पर लाभांश चुकाना कोई कानूनी दायित्व नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अधिमान अंश पर लाभांश चुकाया ही जाए, लेकिन जब व्यापार में लाभ की स्थिति होती है तो इन पे लाभ का बंटवारा किया जाता है। इन पे अर्थात अधिमान अंश पर लाभांश चुकाना कोई कानूनी दायित्व नहीं है और लाभों के होने पर ही इसका भुगतान किया जाता है, तथापि लाभों की विद्यमानता की स्थिति में इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश दिए जाने के कारण इन्हें स्थायी लागत पूंजी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है उसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है, तथा ऐसी पूंजी जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे समता अंश पूंजी व प्रतिधारित अर्जन, इक्विटी शेयर पर जरूरी नहीं है कि उस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश चुकाया जाए। अतः वित्तीय उत्तोलक ये बतलाता है कि पूंजी संरचना में स्थायी लागत पूंजी व समता पूंजी का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है। जो हमारी स्थायी लागत पूंजी, इसमें हमने सम्मिलित किया अधिमान अंश पूंजी, ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋण, और दूसरा है समता पूंजी जिसमें हमने समता अंश पूंजी व प्रतिधारित अर्जन शुरू की हैं, उन दोनों का क्या अनुपात है व्यापार में ये बतलाता है। वित्तीय उत्तोलक उच्च या निम्न स्तर का हो सकता है। यदि संस्था की स्थायी लागत पूंजी परिवर्तनशील लागत से अधिक है, यदि कोई भी संस्था है उसकी स्थायी लागत पूंजी उसकी परिवर्तनशील लागत पूंजी से अधिक है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल से अधिक है, तो संस्था में उच्च स्तर का वित्तीय उत्तोलक होगा। और इसके विपरीत यदि परिवर्तनशील लागत पूंजी का अनुपात है वो स्थायी लागत पूंजी से अधिक है, तो निम्न स्तर का वित्तीय उत्तोलक होगा। इस प्रकार उत्तोलकों को समता पर व्यापार के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और यदि कंपनी की अर्जनें पर्याप्त नहीं हो तो इस स्थिति में उसे परिवर्तनशील लागत पूंजी का प्रयोग अधिक करना चाहिए।
अर्थात उसे निमन स्तर के उपलोक का प्रयोग अधिक करना चाहिए, अर्थात उच्च उपलोक का प्रयोग अधिक करना चाहिए जब जब स्थायी लागत की पूंजी की मात्रा अधिक हो, और कंपनी की अर्जने अधिक तब मानी जाएंगी जब उसकी विनियोग पर अर्जन दर पूंजी की स्थायी लागत से अधिक हो। अब हम कहें वित्तीय उपलोक की परिभाषा, तो इज़रा सोलोमन ने जो परिभाषा दी है वो है वित्तीय उपलोक संस्था की गतिविधियों में प्रयुक्त ऋण तथा इक्विटी कोष के मिश्रण को बताता है। यदि कोई संस्था है और उसमें जो गतिविधियां व्यवसाय संबंधी जो भी हैं की जाती हैं, उसमें जो ऋण और इक्विटी का कोष है, फंड है, उन दोनों का मिश्रण को ही वित्तीय उपलोक कहते हैं। इसके अलावा जेम्स सी हार्न ने भी परिभाषा दी है, वित्तीय उपलोक में स्थायी लागत कोषों का प्रयोग साधारण अंशधारियों के प्रत्याय को बढ़ाने की आशा से किया जाता है। जो परिभाषा उसे यह है स्पष्ट है कि वित्तीय उपलोक में जो स्थायी लागत कोष का प्रयोग साधारण अंशधारियों की जो प्रत्याय है को बढ़ा गया आशा से किया जाता है। और गिटमैन ने जो परिभाषा दी है वो महत्वपूर्ण है, उसमें उन्होंने कहा है कि वित्तीय उपलोक को स्थायी वित्तीय व्ययों के उपयोग से संस्था की प्रति अंश अर्जनों पर परिचालन लाभों EBIT में परिवर्तन के प्रभाव को अवर्धित करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और निष्कर्ष के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि वित्तीय उपलोक संस्था में वित्तीय साधनों के सम्मिश्रण अथवा स्थायी लागत साधनों से वित्त पूर्ति एवं परिचालन लागत साधनों से वित्त पूर्ति के अनुपात पर प्रकाश डालता है। किस अनुपात में तो स्थायी साधनों के माध्यम से और किस साधनों परिवर्तनशील लागतों के माध्यम से, जो वित्त की पूर्ति का क्या अनुपात है इसका पता करने के लिए वित्तीय उपलोक की गणना की जाती है। वित्तीय उपलोक महत्वपूर्ण। अब हम कहें वित्तीय उपलोक के प्रकार। वित्तीय उपलोक दो प्रकार को होता है, अनुकूल वित्तीय उपलोक और प्रतिकूल वित्तीय। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, इस नाम से भी स्पष्ट है जो हमारे अनुसार होगा वो अनुकूल होगा, संस्था में जो व्यापार के अनुसार अनुकूल स्थिति रहेगी तो अनुकूलतम होगा, और व्यापार में यदि उसे विपरीत प्रतिकूल स्थिति पैदा होती है तो प्रतिकूल उपलोक। अनुकूल वित्तीय उपलोक यदि स्थिर भार वाली प्रतिभूतियों के उपयोग के कारण प्रति अंश अर्जने अधिक होती हैं तो इन्हें अनुकूल वित्तीय उपलोक कहते हैं। सामान्य प्रत्याय दर से ऋण पूंजी की लागत में कम होने पर ही अनुकूल वित्तीय उपलोक होगा। ऋण जो सामान्य प्रत्याय दर से ऋण पूंजी की लागत है वो कम हो तो ही अनुकूल वित्तीय उपलोक होगा। दूसरी ओर दूसरा प्रतिकूल वित्तीय उपलोक, यदि स्थिर भार वाली प्रतिभूतियों के उपयोग के कारण प्रति अंश अर्जने कम होती हैं तो इन्हें प्रतिकूल वित्तीय उपलोक कहा जाता है, और ऐसा तब संभव होता है जब कंपनी की सामान्य प्रत्याय दर ऋण पूंजी की लागत से कम होते हैं। हमें अभी वित्तीय उपलोक का प्रभाव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल लिवरेज क्या प्रभाव पड़ते हैं। वित्तीय उपलोक भी दो प्रकार के प्रभाव डालता है, उसमें पहला है समता अंशधारियों की आय पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अनुकूल वित्तीय उपलोक की स्थिति में स्थिर लागत वाली पूंजी को प्रयुक्त करके समता अंशधारियों की आय को बढ़ाया जा सकता है, जबकि प्रतिकूल वित्तीय उपलोक की स्थिति में अंशधारियों की आय का जो स्थिर लागत वाली पूंजी
प्रयोग करने से घटती है। इस प्रकार वित्तीय उपलोक दूधारी तलवार है, जहाँ एक ओर यह संतानधारियों के लिए उपलब्ध अर्जुनों में वृद्धि करता है, वहीं दूसरी ओर इसमें कमी भी करता है। और दूसरा जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वह है वित्तीय जोखिम प्रभाव। वित्तीय उत्तोलन के उपयोग से वित्तीय जोखिम बढ़ती है। एक फर्म की पूंजी संरचना में जितनी अधिक ऋण पूंजी की मात्रा होगी, उस फर्म की वित्तीय जोखिम भी उतनी अधिक होगी। इस प्रकार के जो प्रभाव थे, इनके दो प्रकार के प्रभाव, एक तो संतानधारियों के आय पर प्रभाव और दूसरा वित्तीय जोखिम पर प्रभाव। अब हम वित्तीय उत्तोलन की विशेषताओं का अध्ययन करें तो ये चार विशेषताएं इसमें हैं। पहली है स्थायी लागत वाली पूंजी से संबंधित, रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। वित्तीय उत्तोलन का संबंध किसी संस्था की पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी की उपस्थिति से होता है। यदि किसी संस्था की पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी अधिक है, तो उस संस्था में वित्तीय उपयोग अधिक होगा। यदि पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी कम है, तो वित्तीय उपयोग न्यून होगा। दूसरा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष से संबंधित, रिलेटेड विद ए लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वित्तीय उत्तोलन संस्था की पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी की मात्रा उसको प्रभावित होता है। अतः कहा जा सकता है कि वित्तीय उत्तोलन का संबंध संस्था के चिट्ठे के दायित्व पक्ष से है, क्योंकि पूंजी संरचना में जो स्थायी लागत वाली पूंजी की मात्रा से प्रभावित होता है चिट्ठे का दायित्व पक्ष। और नंबर तीन है प्रति अंश अर्जुनों पर प्रभाव। वित्तीय उत्तोलन स्थिर वित्तीय व्ययों के कारण संस्था के लाभ में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अंश अर्जुनों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करता है। और चौथा है वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क। वित्तीय उत्तोलन के कारण संस्था की वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है। उच्च वित्तीय उत्तोलन की स्थिति में संस्था का परिचालन लाभों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति अंश अर्जनों में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि हो जाती है। यूं परिचालन लाभों में कमी के परिणाम स्वरूप यदि उसमें प्रतिशील लाभ में यदि कमी आती है, तो उसके परिणाम स्वरूप अंश अर्जन की तुलनात्मक रूप से अधिक दी जाती है। इस प्रकार से विचार विशेषताएं थी। और आगे है वित्तीय उत्तोलन की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी और फाइनेंशियल लिवरेज क्या है इनकी उपयोगिता। पहला है अंशधारियों की आय में वृद्धि, इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स रिटर्न। अनुकूल वित्तीय उत्तोलन समता पूंजी प्रपत्ता में वृद्धि करता है, जिससे समता अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है तथा संस्था की बाजार में साख बढ़ती है। फलस्वरूप निजी ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण आपसी उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे संस्था के लाभों में व अंशधारियों की आय में और वृद्धि हो जाती है। दूसरी उपयोगिता है लाभ नियोजन, प्रॉफिट प्लानिंग। वित्तीय उत्तोलन की अवधारणा लाभ नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वित्तीय उत्तोलन प्रति अंश आय को प्रभावित करता है। समविच्छेद विश्लेषण की सहायता से इसके प्रभाव का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करके लाभ नियोजन किया जा सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट के माध्यम से इसकी गणना की। और तीसरा है अनुकूल पूंजी संरचना, वित्तीय उत्तोलन ऋण पूंजी व समता पूंजी में उचित संतुलन स्थापित करके अनुकूल पूंजी संरचना का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। अनुकूल पूंजी संरचना वह होती है जब पूंजी की
लागत न्यूनतम धन की आवश्यकता हो। अब हम इनके बाद यदि परिचालन उत्प्लोक और वित्तीय उत्प्लोक के संबंध की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि परिचालन उत्प्लोक वित्तीय उत्प्लोक के मध्य घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही जरूरी है। इन दोनों के सामंजस्य ही संस्थाएं व्यापार की स्थिति को सुदृढ़ स्थिति में पहुँचती है। अतः दोनों ही उत्प्लोक संस्था की स्थायी लागतें हैं, स्थायी प्रेजेंस लागत हैं, यह स्थायी वित्तीय लागत के संस्था की लाभार्जन क्षमता पर बढ़ने पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करते हैं, और परिचालन उत्प्लोक संस्था के विक्रय में परिवर्तन का संस्था के परिचालन लाभों पर पड़ने वाले प्रभाव का मापन करता है। वित्तीय उत्प्लोक संस्था के परिचालन लाभों में परिवर्तन का प्रत्येक अंश प्रति अंश अर्जन पर पड़ने वाले प्रभाव का सामना करता है। इस प्रकार जहाँ परिचालन उत्प्लोक समाप्त होता है, वहीं वित्तीय उत्प्लोक प्रारंभ होता है। अर्थात हम सीधे कहें कि जहाँ परिचालन उत्प्लोक समाप्त होगा, वहीं से वित्तीय उत्प्लोक प्रारंभ हो जाएगा। अतः परिचालन उत्प्लोक का अत्यधिक उपयोग व्यवसाय के परिचालन जोखिम को एवं वित्तीय उत्प्लोक का अत्यधिक उपयोग व्यवसाय की वित्तीय जोखिम को प्रकट करता है। परिचालन उत्प्लोक तो है वो व्यापार की जोखिम को प्रकट करता है, और वित्तीय उत्प्लोक व्यवसाय की वित्तीय जोखिम को ये पता है। परिचालन उत्प्लोक व वित्तीय उत्प्लोक में अंतर क्या अंतर है? उद्देश्य, परिचालन उद्योग का उद्देश्य विक्रय में परिवर्तन के कारण परिचालन लाभों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, जबकि वित्तीय उत्प्लोक का उद्देश्य परिचालन लाभों में परिवर्तन के कारण प्रति अंश अर्जनों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। दूसरा, इसमें संबंध क्या है? परिचालन उत्प्लोक परिचालन लाभों व विक्रय से संबंध रखता है, जबकि वित्तीय उत्प्लोक परिचालन लाभों व क्षमता पर प्रत्यय का संबंध रखता है। जोखिम, परिचालन उत्प्लोक व्यवसाय की जोखिम में वृद्धि करता है, वित्तीय उत्प्लोक वित्तीय जोखिम में वृद्धि करता है। ये व्यवसाय जोखिम में वृद्धि करता है और ये वित्तीय जोखिम में वृद्धि करता है। लाभों पर प्रभाव, चौथा, परिचालन उत्प्लोक संस्था के परिचालन लाभों को प्रभावित करता है, जबकि वित्तीय उत्प्लोक ब्याज व कर पश्चात लाभों को प्रभावित करता है। पांचवा है चिट्ठे से संबंध, ये चिट्ठे के संपत्ति पक्ष पर प्रभाव डालता है, ये चिट्ठे के जबकि वित्तीय उत्प्लोक चिट्ठे के दायित्व पर प्रभाव डालता है। और पांचवा है, छठा है निर्णय के संबंध, परिचालन उत्प्लोक विनियोग निर्णयों में संबंधित होता है, जबकि वित्तीय उत्प्लोक वित्त पूर्ति के निर्णय से संबंधित होता है। इस प्रकार हमने आज और इसकी गणना करें तो हम फाइनेंशियल लिवरेज बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी बटे ईबीटी या ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस एक इस प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।